हेलो एवरीवन, मेरा नाम मूर्ति जैन है। मैं आपके सामने एक सिंगोनियम प्लांट लेकर आई हूँ। सिंगोनियम प्लांट में कई वैरायटियाँ होती हैं। फिलहाल में मेरे पास एक ही वैरायटी का प्लांट है, जो मैंने एक गमले से शुरुआत करके चार गमलों में इसको डिवाइड किया था, क्योंकि यह प्लांट ऐसा प्लांट है कि मतलब जल्दी बढ़ता है ये प्लांट, इसलिए मैंने इसको चार गमलों में लगा रखा है। ये 5-6 इंच के गमले में भी लग जाता है। जैसे ये एक छोटा सा गमला है, इस गमले में भी ये प्लांट अच्छे से लग जाता है। लेकिन जैसे ही अगर मान लो इसकी जड़ नीचे तक आ जाए, वैसे फिलहाल में मेरी जड़ अभी नहीं आई क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया था, अगर इसकी जड़ नीचे तक आ जाती है तो आप इसको किसी बड़े गमले में भी लगा सकते हो। ये इतने जल्दी ग्रो करता है गाइस, ये मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करता है। इसकी ज़्यादा देखभाल बिल्कुल नहीं करनी होती है, और मिट्टी को इसकी नमी बना के रखना है, ऐसी मॉइस्चर मिलता रहे। इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। और गाइस, इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको ऐसे शेडेड एरिया में रखना है जहाँ पर इसको उसकी धूप की बिल्कुल परछाई नहीं पड़े, क्योंकि ये धूप, अगर इसको धूप मिलती है तो इसकी पत्तियाँ ऐसे हो जाती है। अगर इसमें ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग कर दो तब ये पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। हमें इसके पानी की मात्रा इसमें कम ही रखना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अगर आपको लगता है, देखिए गाइस, ये देखिए इसमें पानी कम है, ये हार्डली मिट्टी हो रही है, ये हार्डली प्लांट है। इसकी मिट्टी में अगर आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है, आप इसको ऐसे फिंगर लगा के 2-3 इंच तक ऐसे देख सकते हैं। अगर काफ़ी मिट्टी सूख गई है तब इसको आप पानी दीजिएगा, क्योंकि अगर हमें एकदम ना सूखी मिट्टी रखना है ना बहुत एकदम खूब गीली भी रखना है। मिट्टी होना चाहिए बिल्कुल पोरस मिट्टी, ये देखो ऐसी मिट्टी होना चाहिए ताकि ये प्लांट हमारा एकदम सुरक्षित रहे। किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग करने से बिल्कुल प्लांट ख़राब हो जाता है। इसमें गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट रहता है। आप इसमें नीम की खली, बर्मी कंपोस्ट की खाद दे सकते हैं। खाद हमें इसको आप ज़्यादा जल्दी जल्दी खाद मत दीजिएगा, खाद आप 6 महीने में ही दीजिएगा। इसका ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो मिट्टी बिल्कुल गीली रहेगी। मेरे चारों गमलों में देखिए आप, मिट्टी बिल्कुल पोरस है। अगर आप इसकी कटिंग की बात करें, किसी भी नेक्स्ट गमले में कटिंग लगाना है या आपको किसी पानी वाले में, आप पाटल में पानी हो उसमें डाल सकते, कटिंग हो जाएगी। ये देखो इसका नोट एरिया, ये दिख रहा है, ये देखो ये रूट, इनको हम पानी में डाल देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। ये पानी में भी ग्रो करता है गाइस, और ये मिट्टी में भी ग्रो करता है। अगर हम इसको मार्च के महीने में लगाएं तो सबसे बेस्ट रहता है। मार्च के महीने का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप इसे होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, और साल में 2 बार खाद दीजिए, कटिंग कीजिए। इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 2-3 इंच बस मिट्टी, ये देखना कि इसके 2-3 इंच तक आप देखते रहना, कि मिट्टी चेक करते रहना, तभी पानी देना। ऐसा नहीं कि आप इसको मिट्टी सूख जाए या बहुत गीली हो तब पानी का सिस्टम बिगाड़ना मत। अगर पानी ज़्यादा दोगे, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो ऐसी पत्तियाँ हो जाएंगी। तो हमें देख कर ही देना है कि मिट्टी एकदम सूखी भी नहीं हो, एकदम गीली भी नहीं हो। मिट्टी का बराबर ध्यान रखना है आपको। हर तरीके के गमले में लग जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा गमला हो, किसी भी गमले में लग जाता है। ये आउटडोर इनडोर दोनों तरीके का प्लांट है। अगर आप इसको कभी भी प्लांट को, जैसे ये प्लांट मैंने अभी लगाया था 4-5 दिन पहले लगाया था, अगर इस प्लांट को आप ऐसे गमले में लगाओगे तो इस प्लांट को आपको धूप में नहीं रखना है। इसको किसी बड़े पेड़ के नीचे या किसी प्लांट के नीचे उसकी छाया में ही रखना है, ताकि इस पर डायरेक्ट कोई धूप ना पड़े। देख लीजिए गाइस, ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। एक गमले से आपको 4 गमले में इसमें डिवाइड किया हुआ है। इसकी कई वेराइटियाँ आती हैं, देखो कितनी प्यारी पत्तियाँ। इसकी पत्तियों का आकार भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये खिलता हुआ। अगर ये लटक जाए गाइस तो आपको ऐसे बांध देना है इसको, क्योंकि ये ऐसे लटक जाते हैं, तो इसको ऐसे बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पत्तियाँ ऑटोमेटिक आपकी ये ग्रो कर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बांधने से नहीं करती, ये सारी पत्तियाँ आपकी ग्रो कर जाएंगी। फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है, जल्दी नहीं देना एकदम से भी फर्टिलाइज़र,
आप कुछ भी दे सकते हो, ये वर्मी कंपोस्ट, नीम खनी, ये दोनों में से कोई भी फर्टिलाइजर कर सकते हो। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इस पर लाइक करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।